नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैश्विक सड़क सुरक्षा के ऊपर, जो कि यूएन के द्वारा चलाया गया है। यूएन के द्वारा चलाया जाता है, जो कि 17 मई से लेकर 23 मई तक रहेगा, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में, कि शुरुआत कब हुई और भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 के ऊपर, 17 मई 2021 को वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सहयोग द्वारा समन्वित और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। ये जो कार्यक्रम है ये यूएन के द्वारा समन्वित और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा आयोजित किया जाता है। दोनों के सहयोग से वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत करी जाती है। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है, यानी 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसका सबसे पहला जो है 2007 में आयोजन हुआ था, उसके 2 वर्ष बाद 2009 में, और इसका जो वो है 2030 तक जो है इनका लक्ष्य है 50% मौतों को कम करना, जो कि हम आगे जानेंगे। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने और सड़क हादसों को कम करने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह किस लिए मनाया जाता है? तो सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और सड़क हादसों को कम करने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। वैसे जनवरी और फरवरी में हर वर्ष भारत के अंतर्गत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जनवरी फरवरी में, लेकिन ये जो मनाया जाता है ये वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो 17 मई से लेकर 23 मई तक चलाया जाएगा, और ये द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में सिर्फ एक ही बार आता है, 2 वर्ष में सिर्फ एक ही बार आता है, 2 वर्ष में सिर्फ एक ही बार आयोजन किया जाता है इसका, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का। हम बात करते हैं आगे इसकी। तो वैश्विक सड़क सुरक्षा या सड़क सुरक्षा जो है एक वैश्विक योजना है। इस योजना की शुरुआत जो स्टॉकहोम घोषणा के अनुरूप है। इस योजना में कानूनों में सुधार, वाहनों का डिजाइन करने में शराब तेज गति और ड्राइविंग जैसे व्यवहार संबंधी जोखिमों पर कानून लागू करने का आह्वान किया गया है। ये जो सड़क सुरक्षा योजना का जो घोषणा है ये इसलिए किया गया है कि जो कानून है, जो हमारे यहाँ के कानून हैं, कानून में सुधार किया जाए, जो शराब पीकर गाड़ी चलाई जाती है उनको कम किया जाए, गाड़ी की जो डिजाइन है जिससे कम से कम दुर्घटना हो सके वैसे डिजाइन वाली गाड़ियों का निर्माण किया जाए, इस पर प्रोत्साहन देता है, जो जोखिमों से थोड़े कम हो। और जो इसका लक्ष्य क्या है 2021 वैश्विक सड़क सुरक्षा समारोह के मुताबिक शहरों में सुरक्षित और स्वस्थ बनने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति सीमा की सुविधा दी जानी चाहिए। इसका लक्ष्य यह है कि 2021 में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा की सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे कि 30 के रफ्तार से चले जहाँ पे सामान्य लोग बाग रहते हैं। और इस बार की थीम है स्ट्रीट्स ऑफ आवर लाइफ, थीम का टैगलाइन है #love30, जिसका सीधा सीधा मतलब है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा। और इसका लक्ष्य इसने क्या रखा है, 2030 तक 50% केस को जो दुर्घटना है कारण सड़क के कारण होने से उसको कम करना, सड़क दुर्घटना को कम करना 50% तक इसका लक्ष्य है 2030 तक। अब बात कर लेते हैं भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व भर में होने वाली कुल मौतों में से 11% मौतें भारत में होती है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। पूरे विश्व की 1% जो वाहन है वो भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है 11% जो कि सबसे अधिक है। वाहन की संख्या सबसे कम जो कि सिर्फ 1% है, लेकिन मौतों की यहाँ पे आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह ही मनाया जाता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ही मनाया जाता है, साथ में वैश्विक सड़क सुरक्षा के द्वारा भी
सड़क हादसों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि 2030 तक जो है इसको 50% तक कम करना है हमें 2030 तक, और भारत जैसे देश में तो इसको ख़त्म करना है, जो 11% का आंकड़ा है इसको कम करना है, आधा करना है। और जो यहाँ पे भारत के अंतर्गत सड़क की दुर्घटना इतनी ज़्यादा होती है कि जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक है, पूरे विश्व में के रिकॉर्ड में सर्वाधिक आंकड़ा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।